तो नमस्कार दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में गजब का ड्रामा देखने को मिला। जहां मैच तो दो दो बार टाई हो गया और दो दो सुपर ओवर देखने को मिले, वहीं दोनों सुपर ओवर के बाद टीम इंडिया आखिरकार को जीत देखने को मिला। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं दोनों सुपर ओवर का फुल हाईलाइट वीडियो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया से प्यार करते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए सुपर ओवर में 16 रन की रन बनाए, जहां पर जवाब में उतरी 17 रन बनाने थे टीम इंडिया को यही जीत के लिए। लेकिन टीम इंडिया ने भी लास्ट गेंद पर एक ही रन बना पाई, जिसकी वजह से 16 रन ही एक ओवर में बन पाई और सुपर ओवर भी टाई हो गया। वहीं अगर जो दूसरा सुपर हुआ, जिसमें कि टीम इंडिया को पहले बैटिंग करना था और टीम इंडिया ने पहले ही दूसरे सुपर ओवर में सिर्फ 11 रन बना पाई, टीम इंडिया लगभग हार चुकी थी, सभी खिलाड़ियों मायूस थे। लेकिन फिर बॉलिंग के लिए आवेश खान को बुलाया जाता है, लेकिन रोहित शर्मा आवेश खान को हटाकर फिर रवि बिश्नोई के चयन करते हैं और रवि बिश्नोई ऐसा कारनामा कर देते हैं कि आप भी देखकर हो जाइएगा हैरान। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल का उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और रवि बिश्नोई ने पहले ही बॉल पर नवि को और दूसरी बॉल पर सिंगल और तीसरे बॉल पर गुरबाज को आउट कर इंडिया टीम को दूसरे सुपर ओवर में जीत दिला देते हैं। तो अगर आप